एक्शन। रुको जरा, सबर करो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो भाई लोग क्या हाल चाल, मैं हूँ आपका भाई जल्लू भाई। और गाइस हम आज देखने वाले हैं हमारे इंडस्ट्री के कुछ ऐसे भूत जो लोगों को डराना चाहते हैं, लेकिन क्या वो डरा पाते हैं? जिनके आहट से लोगों की टट्टी निकल जाती है, लेकिन क्या वो निकाल पा रहे हैं? जिनके पास बहुत सारी पावर होती है, लेकिन क्या वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर पा रहे हैं? लेकिन इसके पीछे जो वजह है वो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो भाई जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्शन। तो भाई सबसे पहले आते हैं इन मूवीज के गाने, आई मीन अश्लील गाने। दीदी चार जनों में दो दिल नहीं बांटे जाते, आई मीन एक दिल, और इतने जनों में दिल बटेगा नहीं, लूटे जाएगा। अब भाई काफी लोग बोलेंगे तो डबल मीनिंग बातें कर रहा है, लेकिन भाई हर बार गानों को दिल से ही कनेक्ट क्यों करना? ऐसे गाने बनाने का एक रीजन होता है, क्योंकि ये म्यूजिक डायरेक्टर सीधे सीधे नहीं बोल सकते, इसलिए उसको सीधे भाषा में दिल का नाम दे दिया जाता है। अभी भी अगर नहीं माने हो तो आगे देखो। तो भाई समझ में आया, बार बार दिल दिखाने के नाम पे पब्लिक का ध्यान कौन सी जगह पे केंद्रित किया जाता है? और हमारी पब्लिक जो हॉरर मूवी देखने गई है वो भूत देखने नहीं, असल में दिल देखने जाती है। समझ तो गए हो गया, अभी तो ऐसी मूवीज चलती थी। और भाई विश्वास ना आता तो इनके मूवीज के पोस्टर उठा के देख लो, भूत से ज्यादा फुटेज तो हीरोइन को दिया जाता है, आई मीन उसके दिल को। दिल लगाना ओ दीवानो। और भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये अपनी मूवीज में दिल दिखाने के लिए केवल गानों का उपयोग करते हैं। बस इस बिच्छू का यही तो मकसद था कि दीदी के दिल तक पहुंचना, मतलब ये लोग आपको घुमा फिरा के उसी जगह पे ले जाते थे जहाँ पे आप फैमिली के साथ कभी नहीं जाना चाहते थे। और आप ही बताओ, अगर इस बिच्छू को डंकी मारना होता तो पैरों में ही मार देता, ये इतनी चढ़ाई चढ़ने का क्या मतलब था? Action! और भाई हमारे हॉरर मूवीज वालों को केवल ठरकपंती दिखानी है, बिच्छू तो केवल एक जरिया है। अब ये बिल्कुल मत समझना कि जहर को चूसते हुए भी दिखा दूंगा। क्यों नहीं, क्योंकि मेरी मर्जी। लेकिन फिर भी अगर इनके टर्की गानों की बात चली ही थी तो कुछ नजर इनके नॉनसेंस गाने पे भी डाल लो। एक लड़की ने मुझे चुमा दिया बाजार में। हाँ तो भाई उस जमाने में बाजारों खेतों में ही ऐसे काम होते थे, क्योंकि ओयो नहीं था ना, वरना इस गाने के लिरिक्स कुछ ऐसे होते। एक लड़की ने मुझे है चु चोड़ो चोड़ो। एक्शन। बात नहीं क्यों करती मुझसे इतना मुझे बता दे। ओ भाई ये तो सीधी सीधी बात है, लड़की का मन नहीं होगा इसलिए बात नहीं कर रही है। मुझे मोबाइल दिलवा दे रसैया, फिर मैं बात करूंगी। बाबा क्या बात है, बात नहीं कर पाती तो मोबाइल मांग रही है, कल को मिलने नहीं आ पाएगी तो गाड़ी मांगेगी, और जब बच्चे चाहिए हो तो क्या पता नया बॉयफ्रेंड ही मांग ले। ओ भाई बच के रहो ऐसी लड़कियों से। देखो भाई ये सब कुछ सह लिया जाता है अगर मूवी का भूत अच्छा हो, आई मीन डरावना हो, जैसे देखते ही मुंह का थूक और पैंट का मुंह दोनों ही सूख जाए। अरे लाश कहाँ गई? ओ भाई दांतों को पोलियो हुआ है, पहली बार देख रहा हूँ। साले दांत कम कपड़े टांगने वाले हैंगर ज्यादा लग रहे हैं, और ये बंदा कैमरे में इतनी फुटेज क्यों खा रहा है? 50 रुपए ज्यादा मिले थे क्या इसे? ये सुन रहे, पहले राइट से आ, चल अभी लेफ्ट से आ, चल अभी नीचे से आ, ये हल्का घूम रहे, चल निकल तेरा पैसा बराबर। Action! चलो भाई हमने मान लिया कि लो बजट मूवी है, लेकिन फिर भी ऐसे भूत क्यों बनाना? चलो ये तो फिर भी ठीक था, आगे वाला भूत देखो। बस यही वाला भूत तो हॉलीवुड वाले ढूंढ रहे थे ताकि कंजरिंग का नेक्स्ट पार्ट बना सके, और मूवी का नाम भी रेडी है, कंजरिंग की जगह कंजर भूत। और भाई हमारी इंडस्ट्री में जितना भूतों का साम्राज्य है उतना चुड़ैलों का भी है, या फिर डायन कह लो। वाह क्या डायन है, मतलब लिपस्टिक, आईलाइनर, आईलैशेस, इतना सारा मेकअप, लगता है डायन बनने के बाद भी पार्लर जाना छोड़ा नहीं। तो भाई लोग जैसा कि आप सबको मालूम है टाइम बहुत खराब चल रहा है, और हम सबको पैसे कमाने का जरिया ढूंढना चाहिए, बिकॉज़ भाई लोग यू नो कि हमें अपनी फैमिली को भी पालना है और रेंट वगैरह भी भरना पड़ता है ताकि बेघर ना हो जाए। देखो भाई लॉकडाउन से पहले कैसीनो खेलना मेरी हॉबी थी, पर अब उन लोगों के लिए जिन्होंने क्वारंटाइन के टाइम में अपनी जॉब खोई है उनके लिए पैसे कमाने का नया जरिया है। और भाई अब आप मेरे से पूछोगे कैसीनो कहाँ ढूंढे जहाँ पे फास्ट पे आउट हो और स्कैम भी ना हो, तो भाई मुझे इस सवाल का जवाब पता है, मैं आपको सलाह दूंगा कि फोराबेट साइट पे खेलें। तो चलो भाई लोग मैं आपके सामने forabet.com खोलता हूँ और सन ऑफ इजिप्ट खेल के पैसे कमा के दिखाता हूँ। तो भाई लोग हमने खेलना स्टार्ट कर दिया है और हमको बोनस स्पिन भी मिल चुका है, और अब देखते हैं मैं कितना जीतता हूँ। हमें ज्यादा से ज्यादा सन कलेक्ट करने हैं, ये देखो एक और सन, बस 2 और सन चाहिए और हम जीत सकते हैं। तो भाई लोग देखो हमने केवल 30 सेकंड में 6300 रुपीज कमा लिए, लेकिन भाई मन नहीं भरा, मुझे इस गेम से प्यार हो गया, चलो और खेलते हैं। तो भाई लोग ये देखो एक और बड़ी जीत, हमने 6000 रुपए और कमा लिए, लग रहा है आज लक्की दिन था।
तो भाई लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी सस्ती स्क्रिप्ट राइटिंग के कुछ गलत साइड इफेक्ट। मेरा कहा मानो तो तुम लोग यहाँ से लौट जाओ। तुमसे पहले भी यहाँ 5 खतरनाक मुजरिम आए थे, वो यहाँ से डरकर भाग गए। लेकिन हम उन लोगों में से नहीं है जो यहाँ से डरकर भाग जाए। वो मर्द थे, हम लड़कियाँ हैं, हमारे सामने दुनिया झुकती है। की कुछ लड़के बोलेंगे भाई लड़की तो बहुत बहादुर है, और लड़कियाँ बोलेंगी अगले जन्म मोहे बिटिया की जो। लेकिन ऐसा नहीं है, चलो अभी से 2 मिनट पीछे चलते हैं। बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। लेकिन हम उन लोगों में से नहीं है जो यहाँ से डरकर भाग जाए। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। हम लड़कियाँ हमारे सामने दुनिया झुकती है। दीदी अब दोबारा ऐसी बात मत करना। सच बताऊं तो ये अपने मूवीज में इतने सस्ते एक्टर एक्ट्रेस रखते हैं जिन्हें ढंग से डरना भी नहीं आता। इन दीदी को तो समझ में नहीं आ रहा कि डरूं कि ना डरूं। ये वाली दीदी को तो डर के साथ साथ ऑर्गेज्म मिल रहा है। और दीदी आप तो बस रहने ही दो। वो मर्द थे, हम लड़कियां हैं, हमारे सामने दुनिया। छोड़ो। लेकिन अभी तक हमारा टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, यानी कि इनकी बवासीर स्क्रिप्ट जो कि खुजली की बीमारी ना होने के बाद भी आपको दिमाग खुजाने पे मजबूर कर देती है। ये तो कब्रिस्तान है। ऐसा करते पुलिस के आने से पहले इसी कब्रिस्तान में छुप जाते। हां तब पुलिस चली गई, सामने घर है, जाओ चलते। ओ भाई कब्रिस्तान में रुकने तक तो ठीक था, लेकिन एक बात बताओ ये कब्रिस्तान में किसका घर है? देखिए हम लोग यहाँ से जा रहे थे, अचानक हमारी गाड़ी खराब हो गई। एक रात के लिए यहाँ ठहर सकते हैं? भाई ये सच में समझ के परे है। एक तो पता नहीं कब्रिस्तान में घर कैसे है, और ऊपर से उसमें एक अकेले लड़की रहती है। दीदी हाँ मत बोलना, शक्ल से ही दोनों छठे हुए बदमाश लगते हैं। आइए अंदर आइए। मतलब सच में एक लड़की घर में अकेली है और उससे 2 कटप्पा के ब्लैक वर्जन आके बोले एक रात के लिए यहाँ ठहर सकते हैं, और लड़की मान जाती है। आप यहाँ सो जाइए, मैं अंदर सो जाती हूं। तो इसके बाद सोचो होना क्या है। लगता है लड़की घर में अकेली है। क्या मतलब? मतलब तू समझ जा। तो भाई लोग अब तो समझ ही गए होंगे कि आगे होने क्या वाला है। और ये मत समझना कि लड़की बहुत अच्छी थी इसलिए उन्हें रुकने दिया। ये समझना डायरेक्टर की सोच थोड़ी गंदी थी इसलिए उसने लड़की को ठुकने दिया। और भाई लोग तुम्हें क्या लगता है रात में ठिकाना ढूंढने का काम केवल ये 2 टकले या फिर लड़के ही करते हैं? नहीं, ऐसी हॉरर मूवीज में ये काम लड़कियां भी करती हैं। कौन हो तुम? हम एक मुसाफिर हैं, क्या हम आज की रात यहाँ ठहर सकते हैं? ठीक है, आप रह सकती हैं। हाँ मुझे मालूम है आप सब बोलोगे भाई ये तो लड़कियाँ हैं ये क्या करेंगी, वो तो लड़के थे, आई मीन हरामी थे। तो भाई पहले इन लड़कियों के विचार सुनो। आज की रात कैसे कटेगी? रात कटेगी, जरूर कटेगी। और अगर अभी तक आप नहीं समझे तो ये रात काटने की बात नहीं बल्कि रात किसी के साथ बांटने की बात चल रही है। क्या सुन रहे थे? कुछ नहीं। आओ मैं तुम्हारी प्यास बुझाती हूँ। नहीं नहीं देखा आपने, इन दोनों ने मिलके अपने बाप समान आदमी का शोषण कर दिया। और बस यही नहीं, जब हमारे चाचा अपनी बिखरी हुई इज्जत उठा रहे थे तभी ये दोनों आके उसे जान से भी मार देती हैं। ये क्या किया तुमने? जो किया ठीक किया, हमने अपनी बदनामी का सारा सबूत ही मिटा डाला। अरे दीदी मारने की क्या जरूरत थी, इतना मुझे पता है ये कोर्ट में साबित भी नहीं कर पाता कि इसका शोषण हुआ है, क्योंकि ऐसा देश है मेरा। ऐसे मजाक से हटके लड़कों के साथ भी ऐसे गलत काम हो सकते हैं, इसके लिए भी सख्त कानून बनाए जाएं। लेकिन भाई लोग ये कभी मत भूलना कि हॉरर मूवीज में किसी को इसलिए मारा जाता है ताकि वो मरने के बाद एक भूत बन सके, और हमारे चाचा भी अब एक भूत बन चुके हैं। तो आखिर तुम्हारी मौत भी तुम्हें यहाँ खींच लाई। चचा हाथ तो नीचे कर लो, ऐसा लग रहा है पिछवाड़े में से अभी भी खून निकल रहा है। लेकिन अब हमारे चचा वो सब करेंगे जो उन्होंने जीत जी नहीं किया, जैसे कि लड़की के साथ स्विमिंग पूल में सनी सनी करना, आज ब्लू है पानी, 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 पानी। या फिर किसी नवाब अमीरों की तरह मुजरा देखना, या फिर किसी लड़की के साथ ये क्या कर रहा है बे। भाई लोग मैं भी जो मैं समझाना चाहता था आपको समझ में आ गया हो, अगर समझ में आया हो तो कमेंट में बताना जरूर। भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, मैं इससे ज्यादा तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा। और भाई अगर इस वीडियो को पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलना। और भाई दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाई रेगुलर अपडेट के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करे बिना मत जाना, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा। और भूलना मत मैंने टाटा बोला है। चलो भाई अब मैं चलता हूँ।